नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा टाइम्स न्यूज। प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक का डीएम आवास पर जमीन पर लेटकर प्रदर्शन, बोले एसपी मार डालेगा मुझको। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, बीजेपी विधायक ने एक पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक शख्स का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने को लेकर बुधवार को प्रतापगढ़ डीएम के आवास पर धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने एसपी पर जान से मारने की धमकी देने व हाथापाई करने के आरोप भी लगाए। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक धीरज ओझा बुधवार को डीएम आवास पर धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि पंचायत चुनाव लड़ने का इच्छुक एक शख्स को 5 महीने से मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कई और शिकायतें हैं जिन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए वह धरने पर बैठे हैं। उधर बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे ही थे कि मौके पर डीएम और एसपी चुनाव दौरे से वापस आ गए। इसके बाद विधायक दफ्तर से बाहर निकले और अचानक जमीन में लेटकर विरोध करने लगे। इस दौरान विधायक ने एसपी द्वारा गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। डीएम के कार्यालय से विधायक फटे कपड़े में बाहर निकल आए। इसके बाद विधायक को डीएम ने खुद अपने पास बुलाया और इस समय बंद कमरे में विधायक और अफसरों के बीच बातचीत चल रही है। इसके पहले विधायक धीरज ओझा ने बताया कि मैं डीएम हाउस पर इसलिए धरने पर बैठा हूं क्योंकि एक अमीर और उसकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहते थे शिवगढ़ में दबंग आदमी के खिलाफ, लेकिन प्रशासन ने वोटर लिस्ट में उनका नाम हटा दिया है। वहां के बीएलओ भी लिख कर दे रहे हैं लेकिन ये मामले को लटका रहे हैं। राहुल यादव एसडीएम और सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने कोई जांच नहीं की और आज तक मतदाता सूची में नाम उसका दर्ज नहीं हुआ। उसका कहीं नाम नहीं है। 5 महीने से उसको प्रशासन दौड़ा रहा है। उसके परिवार को धमकियां भी मिली लेकिन वह कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। विधायक ने बताया कि इसके अलावा कई अन्य मामले हैं जिनमें पत्र लिखने के बावजूद डीएम एसपी की तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तालाब कब्जा हुआ है, शिकायत हो चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी सरकार गुंडों पर कार्रवाई कर रही है लेकिन यहां प्रशासन गुंडों का संरक्षण दे रहा है। 38 मुकदमे वालों को जिला बदर नहीं कर रही है। सब जगह चिट्ठी लिखी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि आज मैं डीएम आवास पर धरना दे रहा हूं। उधर विधायक के एसपी के खिलाफ आरोप लगाने के बाद उनके समर्थन उग्र हो गए हैं और डीएम आवास पर नारेबाजी शुरू हो गई। झूठा आरोप लगा रहे हैं विधायक एसपी। विधायक द्वारा धमकी के आरोप मामले में एसपी आकाश तोमर ने साफ कहा कि विधायक झूठा आरोप लगा रहे हैं, संपूर्ण प्रकरण से पुलिस का कोई संबंध नहीं है। एसपी ने कहा कि मैंने विधायक को दुर्व्यवहार करने से रोका तो झूठा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि विधायक डीएम आवास पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा धरने पर बैठे थे। अपने क्षेत्र के लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाबा टाइम्स न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब करें। मार दिया मुझको, ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के मारा मुझको बहुत मारा, और फाट डाल दिया मुझको, मार दिया कप्तान ने। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है यहाँ का पुलिस अधीक्षक। ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, फाट डालेगा मुझको। आ जा, गोली मार।